Hello student, welcome to your class 10 biology class, in which today we will study about the structure of nephron. First of all, what is nephron? Nephron, it is a structural and functional unit of kidney, as we discussed in the last video, that in kidneys there are 1 million approximately nephron structures are found that do the function of filtration of blood. From blood they filtrate the waste products or nitrogenous wastes and then form the urine that pass out from the body time to time. Structure of nephron, it is most important topic of your chapter number 6 on the level of class 10. So this is the structure that I draw here. Please look here. You look this cup shaped structure, that is called Bowman capsule. In this bunch like structure of capillaries is found, that is called glomerulus. So nephron, it is made up of two structures, that is first is the glomerulus and second one is the renal tubules. नेफ्रॉन बेटा, ये आपका दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है. फर्स्ट वन इज द ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड वन इज द रीनल टिब्यूल्स. नाउ वॉट इज द ग्लोमेरुलस? लुक हियर, एज आई से दिस इज अ डायग्राम. इन दिस डायग्राम यू सी दिस कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर यू सी, यस, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर you see here, that is called Bowman capsule. Bowman's capsule. In this Bowman capsule there are bunch of capillaries is found, that is called glomerulus. This structure is called glomerulus. And here you see this and this structure, these are the afferent arteriole, and this is, it is called efferent arteriole. Efferent arteriole, it is narrow structure, and efferent arteriole, it is wide structure. Bowman capsule के अंदर जो capillaries हैं, as we discuss in the earlier videos, capillaries बहुत ज़्यादा congested structure बना लेती हैं, just like a network बना लेती हैं वहाँ पर, that work as a funnel. वो एक फनल की तरह वर्क करता है, उसी में से आपके पास आउट होता है जो ब्लड. तो यहाँ पर जो एफरेंट आर्टियोल है उसके थ्रू आपका जो ब्लड है वो नेफ्रॉन के अंदर आता है, देन इट पास इट आउट दिस बंच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज. क्योंकि आर्टियोल्स क्या हो जाती हैं, इन लास्ट वीडियोज वी डिस्कस अबाउट आर्टियोल्स डिवाइडेड हो जाती हैं इंटू दी कैपिलरीज, और कैपिलरीज से फिर क्या बन जाता है, नेक्स्ट कैपिलरीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दे फॉर्म दी वेन्स. सो एफरेंट आर्टियोल्स डिवाइडेड इंटू मैनी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, दे फॉर्म द कैपिलरीज एंड दीज कैपिलरीज नाउ रिटर्न बैक इन द फॉर्म ऑफ एफरेंट आर्टियोल. एफरेंट आर्टियोल थिक स्ट्रक्चर होती हैं, मोटा स्ट्रक्चर होती हैं, और एफरेंट आर्टियोल आपकी थोड़ी सी पतला स्ट्रक्चर होता है, आपका नैरो स्ट्रक्चर होता है. एफरेंट आर्टियोल इट इज ब्रिंग द ब्लड दैट इज फिल्ट्रेट, एंड एफरेंट माने आना, एट इफरेंट दैट मीन्स जाना. तो इफरेंट के थ्रू ब्लड आएगा इंटू दी ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर, एंड थ्रू इफरेंट दिस ब्लड इज पास आउट व्हेन इट इज फिल्ट्रेट. नाउ फिल्ट्रेशन वर्क इज अकर हियर. फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है बिटवीन दिस
हियर, ब्लड कम आउट हियर, मूव हियर एंड देन फिल्ट्रेट हियर, दिस। फिल्टर होने के बाद जो आपका ब्लड है वो आपका उसमें से वेस्ट तो यहाँ आ जाएगा कमिंग टू दिस स्ट्रक्चर एंड द रिमेनिंग ब्लड पास आउट फ्रॉम दिस डिफरेंट आर्टियोल्स। नाउ ग्लोमेरुलस, दीज आर द फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फिल्ट्रेट। प्रोटीन इसमें से फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, प्रोटीन ब्लड के साथ मूव हो जाता है इनटू अवर बॉडी। बिसाइड देन द यूरिया, यूरिया अमाइनो एसिड्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, ग्लूकोज, दीज फिल्ट्रेट, दीज आर द फिल्ट्रेट। ये क्या है हमारे, दीज आर द फिल्ट्रेट डेट कम इन टू दिस स्ट्रक्चर। ये सब चीजें आपकी फिल्टर हो जाती हैं और पास आउट हो जाती हैं हियर इन दिस स्ट्रक्चर डेट इज बोमेन कैप्सूल थ्रू द ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस के थ्रू ये सब आपका फिल्टर होगा और कम आउट हो जाएगा इधर। इसमें आपका प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाता, प्रोटीन ब्लड के साथ मूव हो जाता है। नाउ ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर, व्हेन ग्लोमेरुलस कंबाइंड विद दिस बोमेन कैप्सूल देन इट इज कॉल्ड मैल्पिगियन बॉडी। आई राइट हियर ग्लोमेरुलस लस प्लस बोमेन, बोमेन मेंस कैप्सूल कंबाइंडली कॉल्ड मैल्पिगियन, मैल्पिगियन बॉडी। मैल्पिगियन बॉडी, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल दे कंबाइंडली नोन एज द मैल्पिगियन बॉडी और वी कैन से रीनल कॉर्पसल्स, रीनल कॉर्पसल्स। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ विद द थ्री ट्यूब्यूल्स और वी कैन से थ्री ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। जो आपका रीनल ट्यूब्यूल्स है उसमें भी थ्री ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं। विच वंस, फर्स्ट लुक हियर जस्ट अ मिनट, दिस स्टार्टिंग स्ट्रक्चर यू सी हियर, दिस zigzag लाइक स्ट्रक्चर और वी कैन से फोल्डेड स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड PCT. दैट मीन्स वॉट इज PCT? PCT इज द प्रोएक्साइमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोएक्साइमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट यू सी हियर, दिस इज ए U-shaped structure. This U-shaped structure is known as loop of Henle. Loop of Henle. And now you see again a fold-like structure. It is known as the DCT. That means distal, distal convoluted tubule. Okay, so renal tubule is made up of PCT, loop of Henle and DCT. This last one structure you see here, it is called collecting duct, collecting
collecting duct. All filtrate come here and collect, so it is known as the collecting duct. In this collecting ducts, lots of nephrons structures are connected. Through that, urine come here finally. Now we talking about the PCT. PCT, it is the nearest part of the Bowman capsule. Bowman capsule ke sabse jo nearest part hai, that is the PCT. In PCT, urea, glucose, amino acids and large amount of water is found, or we can say it contain the filtrate in which urea, amino acid, glucose and large amount of water is present. Now loop of Henle. In this loop of Henle, most of water is reabsorbed, and next DCT, the filtrate that is remaining about the absorption come out into the DCT, and here also reabsorption is occur, and then after here the filtrate or remaining blood is come out, or remaining waste is come out in this collecting duct, or we can say now finally urine is found in which nitrogenous waste is present, because urea it is a nitrogenous waste. You read in the chemistry that urea formula is NH2CO NH2, so NH2 group are here, it is a nitrogenous compound, nitrogen compound, so it is a nitrogenous waste. Now in this is the structure of nephron, a nephron, single nephron structure in which glomerulus tubule and renal tubules are found, glomerulus structure. In this Bowman capsule is present surrounded it, that is a cup like structure. These both combined known as the Malpighian body or renal corpuscles. Second structure of nephron is renal tubule, in which PCT, loop of Henle and DCT are present. PCT is the nearest part of the Bowman capsule and highly coiled structures. Loop of Henle, it is a U-shaped structure or hairpin. Hairpin hote the purani time mein jo lagati hain ladies, unke just like structure is loop of Henle. And now this structure is known as the DCT, that is away from the Bowman capsule. Proximal, why we call it proximal? Proximal that means nearest. So ye kiske nearest hai? Bowman capsule ke nearest hai. So it is called proximal. Aur jo aapka ye hai DCT, ye kiske Bowman capsule se kahan hai? Distance par hai, bahut zyada dur hai, isliye it is known as the distal convoluted tubule. Sometimes it is asked why it is called proximal and why it is called distal. So it is the basic difference. Proximal means nearest. ये किसके nearest है? Bowman capsule के nearest है ये वाला part. So it is called proximal. Distal because it is away from the Bowman capsule. क्योंकि ये Bowman capsule से दूर है, इसलिए we can say them distal convoluted tubule. Now how the function does the nephron or done by the nephron, or we can say how filtration occur in the nephron. So in the nephron, or we can say working of the nephron, working of the nephron includes also three steps. Nephron ka jo working hai usme bhi aapke teen steps hote hain. First is the ultrafiltration. And second one is the reabsorption, or we can say tubular absorption. And third one is the secretion or tubular secretion, because through that this tubule like structure secretion is occur, so it is called secretion or tubular secretion. Now working of a nephron consists of three parts: ultrafiltration,
रीअब्सॉर्प्शन और सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज द ट्यूबुलर सिक्रेशन और सिक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दैट मीन्स थ्रू द एफरेंट आर्टियोल ब्लड पास आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस विद हाई प्रेशर थ्रू विच फिल्ट्रेशन इज अकर एंड एक्सेप्ट प्रोटीन ऑल द सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स यूरिया एंड लॉट्स ऑफ वाटर पास आउट और फिल्ट्रेट इंटू कम्स इंटू द वोमेन कैप्सूल बॉटम। यहाँ पर वो आ जाएगा जो अभी आपका फिल्ट्रेट होगा एंड द रिमेनिंग ब्लड कंटेनिंग द प्रोटीन मूव थ्रू द एफरेंट आर्टियोल एंड पास आउट द नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन से चला जाएगा ब्लड जो आपका फिल्ट्रेट हो चुका है। नाउ वेस्ट, वेस्ट के अंदर क्या है हमारा, अभी हमने डिस्कस किया ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी इवन हमारी बॉडी कोई भी जो यूजफुल सब्सटेंस है उसे हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाने देती। जितना भी हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है बॉडी उसको अपने आप ही रीअब्सॉर्ब कर लेती है और सिर्फ जो वेस्ट एक्चुअल उसको ही बॉडी से बाहर रिमूव करती है। सो इन दिस जब यहाँ ब्लड के थ्रू आपका फिल्ट्रेशन हुआ और ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ और फिल्ट्रेट में ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड्स भी हैं, लॉट्स ऑफ वाटर भी है, वो सब क्या है, वो सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगेन फिल्ट्रेशन इज डन, इसीलिए दोबारा से यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, डेट इज अकर इन द पीसीटी ग्रुप ऑफ एलए एंड डीसीटी। इन पीसीटी व्हाट इज अकर सेकंड स्टेप, डेट इज द रीअब्सॉर्प्शन और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। पीसीटी ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब, यहाँ पर फिर से वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ ये डिफरेंट स्ट्रक्चर शो किया है, दीज स्ट्रक्चर्स दीज आर द कैपिलरीज, कैपिलरी बंच, ये कैपिलरीज बंच है, ये फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेता है क्योंकि हमारी बॉडी से ये जो हमारा यूजफुल सब्सटेंस उसको नहीं जाने देता, उसको ग्लूकोज को अमाइनो एसिड्स को और वाटर को फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेता है ब्लड के ब्लड अपने अंदर और सिर्फ यूरिया को क्या कर देता है, आगे की तरफ मूव कराता है। ओके नाउ फिल्ट्रेट कम हियर एंड देन मूव हियर, फिल्ट्रेट मूव हियर एंड व्हेन इन लूप ऑफ फिनले लॉट्स ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पर आपका जो लॉट्स ऑफ वाटर है लूप ऑफ हेलने में वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इसीलिए गर्मी में आप लोगों को ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत हो जाती है क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है। सर्दियों में आप विदाउट मोर देन वाटर आप सर्वाइव कर जाते हैं। सो दिस नाउ व्हेन वाटर इज आल्सो अब्सॉर्ब देन यूरिया एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर लिटिल बिट अमाउंट ऑफ वाटर मूव हियर एंड कम आउट हियर द डीसीटी एंड फाइनल अब्सॉर्प्शन इज अकर इन द डीसीटी इन दिस रीजन। यहाँ पर आपका फिर से क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा एंड नाउ द वेस्ट टोटल वेस्ट इज प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट दैट कम्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में आपका जो वेस्ट है वो आ जाता है एंड नाउ दिस कलेक्टिंग डक्ट कनेक्टेड विद द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस का स्ट्रक्चर अगर आपको बैक में ध्यान हो, किडनी में हमने ड्रॉ किया था, दिस इज स्ट्रक्चर किडनी एंड दिस इज द रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस में ये सब आ जाता है एंड नाउ रीनल पेल्विस से क्या अटैच है, यूरेटर, तो यूरेटर में ये आ जाता है एंड नाउ कम इन टू द यूट्रस। ओके वन थिंग इज इन किडनी दिस नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, दिस इज द किडनी स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द मेड्यूलरी पिरामिड्स। ने वहाँ पे पिरामिड्स ड्रॉ किए थे विच आर नोन एज द मेड्यूलरी पिरामिड्स। इन दिस पिरामिड दीज
बोमेन कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट लाइक हियर लाइक दिस स्ट्रक्चर. ओके, तो पीसीटी एंड डीसीटी दीज आर प्रेजेंट लिटिल, पीसीटी इज प्रेजेंट इन द लिटिल बिट और बोमेन कैप्सूल इन द कॉर्टेक्स रीजन एंड रिमेनिंग पार्ट लूप ऑफ हेले एंड डीसीटी दीज आर प्रेजेंट इन द मेडुलरी पिरामिड्स पार्ट. सो दिस इज द वर्किंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन लेवल. होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली. रिवाइज इट, ड्रॉ इट एंड अंडरस्टैंड इट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू क्लास.